हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मनीष कौशल है और मैं टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर से रिलेटेड नए नए वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूँ। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि भाई ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं, इसकी पूरी कैरियर गाइडेंस जो है वो आपको दी जाएगी। ध्यान दीजिए, जब आप की क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट हो जाती है और आप अपना सीवी बनाते हैं, बायोडेटा बनाते हैं या करिकुलम वेटे बनाते हैं, इसकी भी मैंने जानकारी पिछले वीडियो में दी है, तो उसके बाद आप कैसे अप्लाई करें। तो यहाँ पर देखिए, सर्च किया है मैंने हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन जॉब, कैसे करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखें, इसमें पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है कि किस प्रकार से आप यहां पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए, ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको एक अच्छा सा जो सीवी है या फिर आपको बायोडेटा है या रिज्यूमे है वो आपको यूज़ करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। क्योंकि जब आपका बना होगा वो कि MS वर्ड पे या फिर उसकी PDF फाइल बनी होगी, तभी आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको पहले होनी चाहिए। ये मैंने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है, उसको आप देखें तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि CV, रिज्यूमे और करिकुलम वाइटे में अंतर क्या है। तो यहाँ पर देखिए कि आपको ऑनलाइन जॉब जो है वो कहाँ पर चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर में चाहिए या प्राइवेट सेक्टर में चाहिए, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये लिंक है, इसको मैंने ओपन किया है कि भाई ऑनलाइन जॉब्स में आपको कैसे अप्लाई करते हैं, तो इसकी पूरी गाइडेंस रहेगी। तो जब भी आप इसको ओपन करें तो एक न्यू टैब में ओपन करें, ताकि आपका जो पहला पेज है वो अपना रहे, वहाँ पर वापस आ सकें हम और नए नए टॉपिक्स और सर्च कर सकें। तो इस पे आप जाएंगे तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि भाई ऑनलाइन जॉब्स के लिए किस प्रकार से अप्लाई करना है। तो आज की डेट में ये बहुत ही आसान काम हो गया है, और पहले बहुत कठिन था, ढूंढना कठिन था, क्योंकि पहले इंटरनेट की इतनी सुविधा नहीं होती थी, लेकिन आज की डेट में तो ये बहुत ही सिंपल हो गया है काम। बस आपको ऑनलाइन के स्टेप मालूम होने चाहिए एक एक करके। यदि आपको स्टेप्स आते हैं कि पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, तो वो सारी की सारी चीज़ें फिर आप आसानी से करते चले जाते हैं, आपको किसी की हेल्प की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए पहले भी ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स हैं कौन कौन से, और उसके बाद उन जॉब पोर्टल्स में किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं। हजारों वेबसाइट्स हैं ऐसी जो इस प्रकार की फैसिलिटी देती हैं, तो ऑनलाइन क्लासिफाइड एड्स भी देती हैं, या ऑनलाइन जॉब वेबसाइट्स हैं, या कंपनीज हैं जो इस प्रकार की सर्विसेज देती हैं। तो ये जानकारी आपको सबसे पहले होनी चाहिए। यदि आपको ये जानकारी नहीं है तो आप कैसे अप्लाई करेंगे, तो ये समस्या होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में ये पूरे का पूरा जानकारी आपको दी जाएगी कि कौन कौन सी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जहां पर आप ये काम कर सकते हैं, कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज आपको मिल जाएंगी जो इसकी जानकारी देंगी, और जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है उसको वेबसाइट में लोड करने के लिए कहेंगी, और ये जानकारी उनके डेटाबेस में जा करके स्टोर हो जाती है। चाहे वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, आपका वर्क एक्सपीरियंस हो, कितने साल का एक्सपीरियंस है आपका और क्या क्या आप कर सकते हैं, लैंग्वेज कौन कौन सी आप जानते हैं, तो ये अपने डेटाबेस में वो स्टोर कर लेती हैं, और उसके बाद आपको समय समय पर वो गाइड करती रहती हैं कि भाई आपकी जो क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, उसके अनुसार आपको जो जॉब मार्केट में उपलब्ध है वो ये है, आप उसमें अप्लाई करिए। तो जो भी साइट में आप जाएंगे, उस साइट में सबसे पहले आपको साइन अप करने की आवश्यकता होगी। तो पहले आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए, उसमें आप साइन अप करेंगे, अपनी प्रोफाइल बनाएंगे क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से। जैसे जैसे वेबसाइट आपसे पूछती जाएगी इन्फॉर्मेशन, वैसे वैसे आप उसमें एंटर करते जाएंगे, और फाइनली उसमें जब आप सबमिट करेंगे डिटेल, तो वो डिटेल जो होगी वो सारी की सारी उस वेबसाइट के पास पहुंच जाएगी, और वो मार्केट के अनुसार कहाँ कहाँ पर वैकेंसी निकली हुई हैं और आपकी प्रोफाइल जो है वो कहाँ पर फिट हो सकती है,
उसका जानकारी लेकर के आपको समय समय पर मैसेज करेगी। यदि मोबाइल नंबर दिया हो तो आपके मोबाइल पर भी आ जाएगा। तो देखिए, ऑनलाइन जो आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं उसके लिए क्या क्या आवश्यकता है, इसकी पूरी की पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना होगा, एक स्किल और आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार आपको जॉब चूज करनी है, सर्च करनी है। ये सबसे पहला स्टेप होता है। अभी ऑनलाइन जॉब्स तो हैं लेकिन क्या वो सही जॉब है या नहीं है, तो ये जानकारी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल इतने फ्रॉड हो रहे हैं और ऑनलाइन जानकारी मांगने वाली जो कंपनी है उनकी तो बाढ़ सी लग गई है, और कई लोग ऐसे होते हैं कि जो बेचारे ठगे जाते हैं, तो इससे थोड़ा सावधान रहना है आपको। तो आपको सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखना है कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उनके अनुसार आप जो जॉब है उसको चूज़ करें, उसको सर्च करें। क्या आपके पास कोई जो एक्सपीरियंस है उस, या जो आपके पास डिग्री है उसके अनुसार आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं, जैसे स्कूल, कॉलेजेस या टीचिंग इंस्टीट्यूट्स, ये सारी चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए। या कोई कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो कंपनी का एक्सपीरियंस है या नहीं है, तो अपने स्किल के अनुसार ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर आप सर्च करेंगे। दूसरा काम जो मैंने पहले ही आपको बताया कि भाई आपके पास एक अच्छा सा रिज्यूमे होना चाहिए जिसमें पूरी की पूरी डिटेल दी जानी चाहिए कि आपके पास कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस है, क्या क्या एक्सपीरियंस है, आपकी पर्सनल डिटेल क्या है, और उनको आप इस वेबसाइट में सबमिट करेंगे। जब आप सबमिट कर लेंगे तो ये आपकी जो जानकारी है उसके डेटाबेस में पहुंच जाएगी, और जब ये जानकारी पहुंच जाएगी तो वो मार्केट में उसका जो डेटाबेस है वो अपडेट होता रहता है। बहुत सारे लोग उनके मार्केट में लगे रहते हैं जो उनको ये बताते हैं कि भाई मार्केट में कौन कौन सी जॉब उपलब्ध है। यदि वो जॉब आपके रिज्यूमे से, आपके क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस से मैच करती है तो आपको एक नोटिफिकेशन आता है, आपके पास मेल भी आ सकती है या आपके पास मोबाइल में मैसेज भी आ सकता है कि भाई मार्केट में ये जॉब उपलब्ध है और ये आपके रिज्यूमे के अनुसार सूटेबल है, आप वहाँ पर अप्लाई करिए। और हमने अपनी तरफ से अप्लाई कर दिया है, यदि आपके पास कोई कॉल आता है तो आप उसको रिसीव करेंगे और उसकी जानकारी जो भी मांगेंगे वो जानकारी देंगे। हो सकता है कि वो इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया जाए तो आप उसके अनुसार इंटरव्यू का जो टाइम है, डेट है, वो पूछ करके वहाँ पे इंटरव्यू पे भी आप जा सकते हैं, और यदि सिलेक्शन हो जाता है तो वेल एंड दी गुड, क्योंकि आजकल जॉब की इतनी कमी है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर करनी है। तो जो आपको रिज्यूमे बनाना है वो भी एक अल्टीमेट होना चाहिए, एक गोल के साथ। तो यदि वो नहीं है तो बड़ी समस्या वाली बात हो सकती है, हो सकता है कि आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टेड ना हो। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको करना है कि बेस्ट पोर्टल्स आपको सर्च करने हैं कि ऑनलाइन जॉब के लिए जो बेस्ट पोर्टल्स हैं वो हैं कौन कौन से। बहुत सारे आपको फ्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कुछ उसका चार्ज भी लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक्सपीरियंस नहीं होते हैं और उनको रिज्यूम बनाने का भी तरीका पता नहीं होता है, तो ये साइट जो है आपको ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, भाई हम आपका रिज्यूमे बना देंगे, आप तो अपनी एक्सपीरियंस बताइए, अपनी क्वालिफिकेशन बताइए, हम आपको इसका जो है रिज्यूमे बना के देंगे। और जितनी कंपनीज हैं या मार्केट में जहाँ जहाँ जॉब की रिक्वायरमेंट है वहाँ वहाँ हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो बहुत सारी वेबसाइट हैं दोस्तों जिनको आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, जैसे naukri.com है, ये आपसे जब लॉगिन करते समय आईडी पूछती है, मेल आईडी, और आपसे डिटेल जानकारी पूछती है, आपकी जो करंट एम्प्लॉयमेंट है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ये सारी जानकारी आपसे ये वेबसाइट पूछती है। और यदि आप स्टेप बाय स्टेप उसको पूरा भरते जाते हैं तो जैसे आप सबमिट करेंगे
तो आपके बायोडेटा सहित ये पूरी की पूरी जानकारी आपकी उस वेबसाइट के डेटाबेस में पहुंच जाती है और आपकी एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाती है। इसी तरह से दूसरी वेबसाइट है मॉन्स्टर इंडिया, टाइम्स जॉब्स, इंडीड, साइन ना, प्लेसमेंट इंडिया, ये वेबसाइट्स आपको अपनी सर्विस देती हैं, जूबल, फ्रेशर वर्ड्स, क्लिक, लिंक्ड एलएन, दुनिया भर में इनके जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं और वो जॉब अपलोड करते रहते हैं इन वेबसाइट्स पे, और ये आपके लिए फ्री सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो इनका कहना यही है कि भाई आप हमारे जो साइट है इसको आप यूज़ करें, इन पे अपना बायोडाटा डालें, अपनी जॉब एक्सपीरियंस डालें, क्वालिफिकेशन आपकी जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के साथ उसको आपको अप्लाई करें, अपना बायोडाटा डालें। इसका कोई चार्जेस ये साइट्स नहीं लेती हैं, बस अंतर ये है कि जब आप रजिस्टर्ड होते हैं तो इनकी ऐड का सामना करना पड़ता है जो आपके मेल बॉक्स में आती रहती हैं। तो दोस्तों ये जानकारी मुझे लगता है कि आपको अच्छी लगी होगी और आप इसका ऑनलाइन यूज़ करें, जॉब के लिए अप्लाई करें। हम फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।